हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स में आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, इसके पहले आपने स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़ा है। तो अभी थोड़ा हम इसको ब्रीफ रिव्यू करेंगे और बाद में हम देखेंगे इसकी जो अप्लीकेशंस है उनका हमारे डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल्स आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो कंपैरिजन आपने सुना है, कंपैरिजन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डिफरेंस फाइंड करके कंपेयर करेंगे या फिर डिवीजन से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया, द हाइट ऑफ सुहेल इज 152 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ सुशील इज 160 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के हाइट को कंपेयर करना है, तो पहले हम सब्ट्रैक्शन से कंपेयर करेंगे फिर डिवीजन से। जैसे मैंने सुशील के हाइट से सुहेल के हाइट को माइनस कर दिया, तो 160 माइनस 152 दैट इज इक्वल टू हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, सुशील इज 8 सेंटीमीटर टॉलर देन सुहेल, और वी कैन से दैट सुहेल इज 8 सेंटीमीटर शॉर्टर देन सुशील। ये हो गई कंपैरिजन बाय डिफरेंस। अब हम इन दोनों के हाइट को कंपेयर करेंगे लेकिन डिवीजन करके। अब वो कैसे, सुशील की हाइट को सुहेल की हाइट से डिवाइड कर दो। अब देखो बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, सो विल गेट हियर 2 8 16, और यहाँ पे 2 7 14, 2 6 12, फिर से 2 से डिवाइड होगा, सो 2 से डिवाइड करो तो यह आएगा 40, 2 3 6, 2 8 16, और फिर से 2 से डिवाइड होता है, सो विल गेट हियर 20 अपॉन 90। नाउ दिस टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसको कंपेयर करेंगे आप, सुशील्स हाइट इज 20 अपॉन 19 टाइम्स सुहेल्स हाइट। इसको इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, सुशील्स हाइट इज 20 अपॉन 19 सेंटीमीटर देन सुहेल्स हाइट, या फिर इसको अलग तरीके से करेंगे, सुहेल की हाइट को सुशील की हाइट से कंपेयर करना है, तो सुहेल हाइट इज 19 अपॉन 20 टाइम्स देन सुशील्स हाइट। ये हो गई डिविजन मेथड से हम क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन मेथड से क्वांटिटीज को कंपेयर किया। तो अब रेशियो क्या होता है, रेशियो ये है कि सेम काइंड की जो क्वांटिटी होती है, दो क्वांटिटी को डिवीजन मेथड से कंपेयर करना, टू कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन मेथड, दैट इज द रेशियो। जैसे अभी हमने कंपेयर किया था सुशील और सुहेल के हाइट को, डिवीजन मेथड से कंपेयर हमने किया था तो हमारा आंसर आया था 20 अपॉन 90, ठीक है। तो इसको अगर हमें रेशियो में लिखना है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे 20:19, ओके। ये हो गए सुहेल हाइट, ये हो गए सुशील हाइट, सुहेल हाइट, तो ये क्या हो गया, सुशील हाइट रेशियो सुहेल हाइट। अब इसको पढ़ना कैसा है, इज टू पढ़ना है, 20:19, सो दिस इज द सिंबल ऑफ रेशियो, इसका रीडिंग है 20:19, इस तरह से। अब इस तरह से हम दो क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए। अब रेशियो की डेफिनेशन क्या है, रेशियो इज अ फ्रैक्शन दैट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स अ क्वांटिटी इज ऑफ अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। रेशियो क्या होता है कि ऐसे दो क्वांटिटी जो सेम काइंड की है उन क्वांटिटी को कंपेयर करना, मतलब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के कितने टाइम्स है ये बताना, दैट इज द रेशियो। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दोनों क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए। सेम काइंड मतलब जैसे अभी आप हाइट हमने कंपेयर की तो दोनों की सेंटीमीटर में हाइट थी, है ना, एक मीटर है या दूसरा सेंटीमीटर है तो उनको कंपेयर नहीं कर सकते, एक किलोमीटर में दूसरी मीटर में, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे एक लीटर है क्वांटिटी और एक किलोमीटर है क्वांटिटी, तो ये दीज आर नॉट ऑफ सेम काइंड, ठीक है। तो सेम काइंड की क्वांटिटी होना जरूरी है। इन जनरल अगर मैंने दो नंबर लिया जैसे ए एंड बी, अब ए और बी ये दो कोई भी नंबर है, इनका हमें रेशियो फाइंड करना है, तो ए का बी के साथ रेशियो अगर हमें लिखना है तो सो वी विल राइट इट एज ए इज टू बी, इस तरह से रीड करना है। ये हो गया ए का बी के साथ रेशियो। अब इसमें जो ए और बी है, सो दीज आर द टर्म्स, ए भी टर्म्स होगी और बी भी टर्म्स होगी, दीज आर द टर्म्स, लेकिन इनके स्पेसिफिक नाम है। जो फर्स्ट टर्म होती है, पहली टर्म होती है, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट,
फर्स्ट टर्म इज एंटीसीडेंट एंड जो सेकंड टर्म होती है ये बी वो होती है कॉन्सिक्वेंट. सो दीज आर द टू टर्म्स एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. ठीक है, ये हो गया एंटीसीडेंट, बी हो गया कॉन्सिक्वेंट. ओके, अब ये जो है ए एस टू बी रेशियो, ये ए का बी के साथ रेशियो है. अब मैंने कहा कि बी का ए के साथ रेशियो क्या होगा, सो वी विल राइट इट एज बी इज टू ए. तो इसमें अब बी हो गया एंटीसीडेंट, ये हो गया कॉन्सिक्वेंट. अब ये दोनों क्या सेम होते हैं, ई एस टू बी नॉट इक्वल टू बी इज टू ए, ये दोनों रेशियो सेम नहीं होते हैं. नाउ वी विल सी इक्विवेलेंट रेशियोज. अब इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होता है, जैसे अ रेशियो ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ द टर्म्स ऑफ अ गिवन रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंट रेशियो. जैसे एक रेशियो में लिया मैंने 8:12. अब 8:12 में दो टर्म्स है, 8 हो गए फर्स्ट टर्म, बी 12 हो गए सेकंड टर्म. इन दोनों टर्म्स को किसी नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो यानी जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या फिर निगेटिव नंबर हो, ठीक है, तो उनसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमें मिलता है दैट इज द इक्विवेलेंट रेशियो. फॉर एग्जाम्पल अब आपको बताएं 8:12 को हम लिख सकते हैं 8/12. अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है किसी एक नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, या डिवाइड भी कर सकते हो, यू कैन मल्टीप्लाई इट और डिवाइड इट. जैसे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, सो 8 डिवाइडेड बाय 2 किया और 12 डिवाइडेड बाय 2, तो सेम नंबर से हमें डिवाइड करना है. एंटीसीडेंट को और कॉन्सिक्वेंट को दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करो या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो. सो यू विल गेट हियर 4/6. अब फिर से 8:12 इक्वल टू 8/12 को किसी एक और नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने इनको 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो दोनों को डिवाइड होना चाहिए, ऐसे ही नंबर हमें लेनी है. तो इस दैट इज इक्वल टू हो गया 2/3. सो ये जो हो गए 8/12 इक्वल टू हो गया 4/6 इक्वल टू हो गया 2/3, है ना. और इनको रेशियो में लिखना है तो 8/12 है ना, 8:12 इक्वल टू 4:6 इक्वल टू 2:3. सो ये जो दो रेशियो हमें मिल गए 4:6 और 2:3, सो दीज आर द इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 8:12. अब इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करके भी इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड कर सकते हो. वो कैसे, चलो एक एग्जांपल देते हैं. तो 3:4 ये एक रेशियो लिया, ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज 3/4 इक्वल टू, अब सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो और कॉन्सिक्वेंट 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो. सो वी विल गेट हियर 6/8. ये हो गया 6/8 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3:4. एक और लेते हैं एग्जांपल, 3:4 इज इक्वल टू 3/4. अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 × 3/4 × 3, सो यू विल गेट 9/12. सो दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज, ठीक है, ऑफ 3:4. वी कैन राइट इट एज 6:8 एंड दिस इज ऑल्सो 9:12. सो वी कैन से दैट 6:8 एंड 9:12 आर इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 3:4. आपको क्वेश्चन इस तरह से आते हैं इसमें कि फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियोज, फाइंड 5 इक्विवेलेंट रेशियोज, इस तरह से आ सकते हैं. तो इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है सेम नॉन जीरो नंबर से या फिर डिवाइड करना है. मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है, ये आप देख लो कि आपको दिए गए नंबर्स कोऑफिडेंट नंबर्स है तो उनको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके फाइंड करो, और दिए गए जो टर्म्स है वो अगर कोऑफिडेंट नहीं है, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को जिनको डिवाइड हो सकता है उनको आप बाय डिविजन मेथड भी कर सकते हो. इन जनरल अगर हमने ए एस टू बी ये एक रेशियो लिया, अब इसके इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड करने हैं, सो आपको क्या करना है कि ए एस टू बी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. जैसे मैं ए को सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बी को भी सी से मल्टीप्लाई करूंगा, सो वी विल गेट हियर AC/BC. ओके, और इसको अगर रेशियो में लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू AC/BC. सो AB इज इक्वल टू हो गया AC/BC, तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है. अब डिवीजन से A:B एक रेशियो लिया तो इन दोनों को मैं A/B इस तरह से लिख सकता हूँ.
अब क्या करना है मुझे, ये और बी दोनों को सेम इससे डिवाइड करना है। सो वी विल गेट हियर, ए को मैं डिवाइड करूंगा डी से और बी को मैं डिवाइड करूंगा डी से। यहाँ पे जो डी है दैट इज द नॉन जीरो नंबर। ओके, सो वी विल गेट हियर ए इज टू डी एन ए अपॉन डी, ठीक है, अपॉन बी इज टू डी एन ए बी अपॉन डी। ये हो गया इनका रेशियो। सो यू कैन राइट इट इन दिस वे, ए इज टू डी, सॉरी ए अपॉन डी, ए अपॉन डी इज टू बी अपॉन डी। सो इसका ये हो गया इक्वल रेशियो जो हमने फाइंड किया डिवीजन करके, किसी सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करके गया, ठीक है। नाउ वी विल सी कंपैरिजन ऑफ रेशियो। तो जिस तरह से आप फ्रैक्शन को कंपेयर करते हो उसी तरह से हमें रेशियोज को भी कंपेयर करना है। या तो आप इनका दोनों रेशियो का डिनोमिनेटर सेम करके कर सकते हो कंपेयर, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, वो दोनों मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है 7:6 इज इक्वल टू होता है 7/6, 3:2 होता है 3/2। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ 2 की जगह हमें 6 चाहिए, ठीक है। सो वी राइट हियर 3/2 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करो तो न्यूमेरेटर को भी करेंगे और डिनोमिनेटर को भी करेंगे। सो यू विल गेट हियर 9/6। अब देखो 7/6 और 9/6 इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करना मीन्स विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर, ये हमें शो करना है। अब देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमेरेटर को कंपेयर करते हैं, जिसका न्यूमेरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, ठीक है। सो 9 इज ग्रेटर, सो आई विल पुट हियर दिस लेस देन साइन। सो 7/6 इज लेस देन 9/6, इसका मतलब जो ओरिजिनल रेशियो है उसमें ये साइन हमें पुट करना है। देयरफॉर 7:6 लेस देन 9:6, ये हो गया डिनोमिनेटर सेम करके। अब आपको करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो वो कैसे, तो यहाँ लिखेंगे 7:6, यहाँ लिखेंगे 3:2। 7:6 यानी 7/6, 3:2 यानी 3/2। अब इसको पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करो, तो 7 की 2 के मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7×2=14। आप 6 की 3 से साथ करो, 6×3=18। अब 14 और 18 को कंपेयर करो, सो वी विल पुट हियर लेस देन साइन। देयरफॉर वी कैन से दैट 7:6 लेस देन 3:2। देखो दोनों में सेम आ गया, यहाँ पे 9:6 नहीं चाहिए, 9:6 किसका था ओरिजिनल, 3:2 का, ठीक है। तो दोनों में सेम आ गया। चलो देखो अभी इसको करते समय मल्टीप्लाई, पहले ये एंटीसीडेंट और ये इसको मल्टीप्लाई करना है, इस रेशियो का एंटीसीडेंट और इस रेशियो का कॉन्सिक्वेंट, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और बाद में इस तरह से मल्टीप्लाई करना है।